फोटोग्राफी जावेद ने एक्स बॉयफ्रेंड पारस को क्यों दी सिंगल रहने की नसीहत। एक्ट्रेस ने बताई खुद ही वजह। जी हाँ दोस्तों, उर्फी जावेद को आज हर कोई जानता है दुनिया भर में। उन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया है। अपने कपड़ों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद अनुपमा फेम पारस कलावत को डेट कर चुके हैं एक दूसरे को। इन दोनों ने कई बार अपने अपने पक्ष रखे हैं। दोनों का कहना है कि ब्रेकअप के बाद अब उनके बीच शाहपूर्ण संबंध है। अनुपमा फेम पारस ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो अभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से फ़ोन की सलाह लेते हैं। वहीं उर्फी इस बारे में कहना चाहती हैं कि वो सिर्फ उन्हें एक दोस्त मानती है और पारस को उन्होंने स्वीट बॉय भी कहा है और वो हमेशा उनको एक ही सलाह देती हैं कि तुम हमेशा ही सिंगल रहा करो। उर्फी ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो हम दोनों दोस्त हैं और कुछ नहीं। कभी एक साथ हमने काफ़ी समय बिताया था, इसीलिए एक दूसरे के लिए प्यार कभी नहीं जाता है। मैं जब प्यार करूँ कहती हूँ तो मेरा मतलब दोस्ती है। हम फिलहाल एक अच्छी जगह पर हैं। एक दूसरे से हम बात करते हैं और सलाह लेते हैं। ज़्यादातर मुझे सलाह लेते हैं। मुझे लगता है कि वो काफ़ी मैच्योर और बहुत ही प्यारा लड़का है। जी हाँ दोस्तों, उर्फी जावेद ने अनुपमा फेम के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें कह दी। उर्फी ने बताया कि उन्होंने सुझाव देती हूँ और फिर कुछ समय के लिए किसी को डेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, उसे मैं सिंगल रहने की सलाह देती हूँ। वो पूरा दीवाना दीवाना आशिक और मजनू है। जिस लड़की को वो डेट करना शुरू कर देता है उसके लिए वह मजनू बन जाता है। आपको बता दें, झलक दिखला जा द 10 लॉन्च पार्टी के दौरान उर्फी और पारस एक दूसरे के भीड़ में गए थे। कुछ रिपोर्ट के दावा किया है कि इस दोनों ने कपल काफ़ी तीखी बहस भी हो गई थी और उर्फी ने कुछ कह